इस समय हम अयोध्या में सीधे रामलला के दर्शन करा रहे हैं आपको। एबीपी न्यूज पर रामलला का दर्शन कीजिए, सामने रामलला विराजमान हैं और इस समय अपने अस्थाई निवास में उनको रखा गया है और एकदम पास में ही कुछ कदम की दूरी पर नया मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। उसमें उसके गर्भगृह में 2023 तक यानी दिसंबर 2023 तक मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि रामलला को गर्भगृह में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा विधि विधान के साथ। लेकिन फिलहाल आज का जो दर्शन है रामलला का वो आप कर सकते हैं। सैकड़ों लोग इस समय लाइन में हैं और बहुत मेहनत और बहुत समय से लोग यहाँ पर खड़े हैं, दूर दूर से आए हैं, देश भर से जो भक्त आए हैं आज अयोध्या में वो काफ़ी इंतज़ार के बाद आज रामलला के यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। और किस तरीके के उनके भाव हैं हम बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आएंगे? हम लोग लखनऊ से हैं। रामलला के दर्शन हो गए, क्या इस समय अभिभूत हूँ हमें, अभिभूत हूँ एकदम, दर्शन करके बहुत अभिभूत हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत समय बाद उनको इस स्थान पे देख के और अच्छा लग रहा है। कहाँ तो हमने बहुत पहले टेंट में देखा था और अब उम्मीद है कि भव्य मंदिर में देखेंगे महाराज राम को। बस आंखों में आंसू आ गए हैं, आप देख सकते हैं भक्त। आप लोग बेटा कहाँ से आए? हम लोग लखनऊ से आए हैं। तो दर्शन हो गए, अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लखनऊ से दर्शन हुए, अच्छा लग रहा है। हम लोग भी हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो आज पहली बार आए हैं लेकिन बस देख के लग रहा है कि हाँ ये दर्शन होना जरूरी था और बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। सामने रामलला हैं और सामने भक्त हैं, भक्तों से हम बात करें, क्या आप लोगों के मन में फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है, रामलला का यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए, बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है। अभी हम लोगों ने आते समय रास्ते में दाहिनी तरफ देखा कि मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है, देख के मन प्रफुल्लित हो गया है। जल्द से जल्द भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए और हम लोग आएंगे दर्शन करने के लिए सारे श्रद्धालु। हम लोगों की बहुत आस्था श्री राम में है। एक बार फिर देखिए रामलला के दर्शन के लिए किस तरह से भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है, लेकिन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लाइन लगी हुई है, दो लाइन आ रही है और कई घुमावदार जो रास्ता है उसको पार करते हुए भक्तों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है और लोग आ कर के और सीधे रामलला का बहुत ही सुगमता के साथ दर्शन कर पा रहे हैं। सामने दरवाज़ा खुला हुआ है और राम लला सामने विराजमान हैं और आप इस समय एबीपी न्यूज़ पर रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। रामचंद्र भगवान की जय के नारे लग रहे हैं और भक्त काफ़ी खुशी में हैं, काफ़ी यहाँ पर उत्साह में हैं। कुछ भक्तों से जो लाइन में लगे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? राजस्थान से आए सर। क्या मन में समय भाव है रामलला के सामने? रामलला देखने के लिए पहली बार मौका मिला हमारे को, इसीलिए चलो भाई दर्शन करके आते हैं राम मंदिर। दो फीट की दूरी पर हैं, दर्शन नहीं हुए? हाँ, दर्शन नहीं हुए अभी। चार लोग आगे लाइन में हैं और रामलला के दर्शन नहीं हुए हैं, क्या मन में लेके आ रहे हैं? बस बाबा के दर्शन करने हैं। उत्साह में क्या? बहुत उत्साह में है। जय श्री राम, अपने राम जन्मभूमि पे आके आज बहुत ही आनंद हो रहा है। सामने रामलला है, क्या कहेंगे? बस जय श्री राम, आज भाग्य है ऐसा, सौभाग्य के दर्शन करने आए हैं इनका। चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है, रामलला सामने विराजमान हैं और लोग जो आ रहे हैं वो रामलला के दर्शन करके बेहद प्रसन्न हैं और जो उनकी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं के साथ लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन रामलला का दर्शन करने के बाद लोगों के चेहरों पर न सिर्फ खुशी है बल्कि आंसू भी हैं। कैमरामैन मान के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।